श्रमिक दिवस के दिन बस्तर टाइगर ने बोरे बासी खाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बिलासपुर लोकसभा के तीसरे चरण में मतदान के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील के लिए स्टार प्रचारक राहुल गांधी सकरी में सभा को संबोधित की। उसके बाद बिलासपुर लोकसभा में युवाओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद एक अलग सी स्थिति नजर आ रही है। इसी तारतम्य में आज बेलगहना ब्लॉक के कुपा बांधा में प्रदेश अध्यक्ष दीपक भैंस ने श्रमिक दिवस के मौके पर सभा को संबोधित किया और ग्रामीणों के साथ बोरेबासी खाकर छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया तथा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को खत्म करने व पूंजीपतियों का साथ देने का काम कर रही है। जो मजदूर व किसान व मध्यम वर्ग के हित में काम न करे ऐसी सरकार उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। सभा को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 30 साल से बिलासपुर लोकसभा की सीट भाजपा के पास रही, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित होना पड़ा। इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और इस बार लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष पर मतदान कर क्षेत्र के विकास के लिए मन बनाकर रखी हुई है। कार्यक्रम में पूर्व मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला, मनोज वाजपेयी, कपिल जायसवाल, रविराज रजक, जिला महामंत्री गणेश कश्यप, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष शिवदत्त पांडे, ग्रामीण व कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। संभाग मोदी सरकार देश की संविधान को खत्म करना चाहती है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, देश की आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसलिए इस समय देश की जनता ने तय कर लिया है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को लाना है। ये देश की जनता ने और क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मिलेगा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश में बन रही है। पहला चरण और दूसरा चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसके लिए लगातार हमारे तमाम देश के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़के जी, पायलट साहब और तमाम हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता लगातार दौरा कर चुनावी सभा ले रहे हैं। इसके तहत आज मैं भी हमारे बेल गहना ब्लॉक के ऊपर बांधा में आज सभा हुई। निश्चित रूप से जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सरकार के खिलाफ में माहौल है और जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है जो लगातार हमारे जन जन तक पहुंचा रहे, सभी वर्गों को टच कर रहे, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा और इस समय बिलासपुर लोकसभा सीट भी हम इस समय से ऐतिहासिक वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। 32 सालों से बिलासपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आ रहा था। इस बार लोगों ने, बिलासपुर के लोगों ने सबने मन बना लिया है कि इस बार सांसद बन लेंगे, क्योंकि रोटी एक साथ तवा में रखी रहती है, ज्यादा देर तक जल जाती है, इस बार तवा पर रोटी बदलने की बात है। देवेंद्र यादव एक अच्छे प्रत्याशी हैं और देवेंद्र यादव को बहुत अच्छा समर्थन मिला है, नौजवानों में बहुत अच्छा जोश है, उनके यादव समाज में भी बहुत अच्छा है और लगभग पूरे लोकसभा क्षेत्र में देवेंद्र यादव को अच्छा समर्थन मिला है और इस बार देवेंद्र यादव यहां से ज्यादा ओवर से जीत पड़ने वाला है, साया साया वोट पड़ने वाला है। लोग सरकार, कांग्रेस की सरकार जाने से लोग दुखी है क्योंकि स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, महिलाओं को 5 महीने में 1000-1000 रुपये मिल रहा था, किसी को 2 महीने का मिला है। ये साया साहब की सरकार को लोग समझ चुके हैं कि जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, इसलिए इस बार सरकार बदलेगी। किसान मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछला वर्ग सब कांग्रेस के साथ। संभागीय जिला ब्यूरो रविराज रजक की रिपोर्ट।